हाय स्टूडेंट्स, कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट की हमारे पास क्वेरी आ रही है कि जो मैंने 50-50 अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बताई थी जेई मेन और नीट को अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट को उससे फायदा हुआ है, लेकिन वो फिर भी ये समझना चाहते हैं कि इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फाइनल एग्जाम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस वीडियो को नहीं ढूंढ पाए या मिस कर गए, तो उनके लिए मैं एक बार वापस से मॉडिफाइड 50-50 स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप फाइनल एग्जाम में अपने पेपर को हैंडल कर पाएं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट स्कोरिंग मोर देन 75-80% मार्क्स, तो इन स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज या अबो एवरेज है, तो सर्टेनली आप ये मान के चलें ये स्ट्रेटजी आपके स्कोर को काफी हद तक इंक्रीज कर देगी। अच्छी प्रिपरेशन में भी ये स्ट्रेटजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए बात करते हैं 50-50 स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट जेईई मेन एंड नीट। यहां पे मैं ये कहूंगा इस स्ट्रेटजी को जो हम मॉडिफाई करेंगे, हम बात करेंगे 50-30-20 स्ट्रेटजी रैदर देन 50-50, क्योंकि लास्ट 50 को मैंने 30-20 में स्प्लिट कर दिया है। दैट हेल्प्स फाइनली स्टूडेंट्स टू ग्रो बेटर इन एग्जामिनेशंस। तो हम बात करें इस एग्जाम को आगे बढ़ाने की, तो सबसे पहले हम बात करें एग्जाम में सबसे बड़ी चीज जो काम करती है, वो काम करती है आपका रिलैक्स एटीट्यूड। अगर आप रिलैक्स हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो बहुत अच्छे से चीजों को करते चले जाएंगे। जहां पैनिक किया आपने, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपके मार्क्स डिडक्ट होना शुरू होते हैं और बचा हुआ जितना टाइम है वो आपका वेस्ट हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्ट, कीप दिस इन माइंड, अटेम्प्ट ओनली 50% क्वेश्चन इन एग्जाम पेपर रेदर देन अटेम्प्ट। मैं ये कहूंगा टारगेट, कीप योर टारगेट टू अटेम्प्ट ओनली 50%। आप ये मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं, आप नीट की बात करें, किसी सब्जेक्ट को आपने पहले पिक किया, तो उस सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए बायो के अंदर 90 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन हैं, सिमिलरली अगर हम बात करें जेईई मेन के अंदर अगर 30-30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट आपने पहले उठाया उस सब्जेक्ट के 50% ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, इससे ज़्यादा करने ही नहीं है। छांट के ये अज्यूम कर लीजिए, जैसे एग्जाम में चॉइसेस मिलती हैं, इन दो में से कोई एक करना है। आप मान लीजिए आपको 50% की चॉइस मिली है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है अपने आपको। जैसे ही आप 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर स्विच कर जाइए। आप मान के चलिए माइंड इतना कॉन्फिडेंट होगा एग्जामिनेशन में, सॉल्व करते करते आप स्किप करते चल जाएंगे, थोड़ा भी क्वेश्चन लगेगा टिपिकल है, आप स्किप करके आगे चलिए, क्योंकि आपका टारगेट ही है 50% क्वेश्चन। जैसे ही 50% क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली अच्छे जो इजी क्वेश्चंस हैं उस पेपर के अंदर, जो आपके लिए अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, वो पहले अटेम्प्ट हो जाएंगे, आप सेकंड पेपर पे यानी अगले सब्जेक्ट पे स्विच कर लीजिए। सिमिलरली सेकंड पेपर में भी 50% ही अटेम्प्ट का टारगेट रखिए, थर्ड पेपर पे स्विच कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है फोकस ऑन नेक्स्ट 30% सेलेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप पहले 50% क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जिन क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे वहां मार्किंग करेंगे। ए या बी, ए का मतलब होगा कि आप इसको नेक्स्ट 30 में लेने वाले, बी का मतलब इनको लास्ट के बचे हुए 20% में डालना है। तो आप ए और बी में मार्किंग करते हुए स्किप करते जाएंगे, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ 50% करना ही था। तो जैसे ही 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फास्ट अटेम्प्ट होंगे, क्वेश्चन की रीडिंग हार्डली 20-30 सेकंड्स लेती है और स्किप करने का डिसीजन उतना ही कम टाइम लेता है। इसके बाद आप जो ए मार्क किए हुए क्वेश्चंस हैं, उन 30% क्वेश्चंस में उनको कंसिडर कीजिए। अगर टाइम बचता है, कॉन्फिडेंस हाई रहता है, तो आपको लास्ट 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करने। दिस लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अगर 3 घंटे की बात करें, तो आपको दिमाग में रखना है लगभग 2.5 घंटे या 2 घंटा 40 मिनट के अंदर ए और बी, यानी फर्स्ट और सेकंड जो लेवल है, फर्स्ट 50% और नेक्स्ट 30% क्वेश्चन, इसको टारगेट करके पूरा करना है। अगर टाइम नहीं बचता है, कोई बात नहीं, आई कैन अश्योर यू कि विद दिस मेथडोलॉजी ऑफ फाइनल अटेम्प्ट, आप सर्टेनली जो करके आएंगे वो आपके नॉर्मल रूटीन अटेम्प्ट से बेटर होगा। इस मेथड से एग्जाम में कभी आप पैनिक नहीं करेंगे, एग्जाम में ब्लैकआउट नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, और जो कुछ भी करेंगे वो आपकी डिजर्विंग कैपेसिटी से बेटर स्कोर लेके आएगा। आई स्ट्रांगली विश कि आप फॉलो कीजिए, लेकिन सब्जेक्ट पहले कौन सा करना है, पेपर में टॉपिक्स कैसे चूज करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि वहाँ किसी भी टीचर की बताई गई स्ट्रेटजी बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करती। एग्जाम में फाइनली हाई स्कोर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, और आपको अपनी ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है एज फार एज सब्जेक्ट सेलेक्शन इज कंसर्न। पहले कौन सा करें, फिर कौन सा करें, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल से। डू नॉट फॉलो एनी टीचर कि पहले फिजिक्स कर लो, पहले मैथ्स कर लो, पहले केमिस्ट्री कर लो, दैट इज Not going to work. आपके लिए क्या बेटर है, ये आप बेटर डिसाइड करेंगे। This is only a way which will keep you energetic in examination hall, जो कि बहुत सालों से हम students पे apply कर रहे हैं, students follow कर रहे हैं, and we are seeing lot of good results from past more than a decade. Wish you all the best.